उल्लू जल्दी उठा, हो सकता है किसी लड़की का हो। हेलो, कौन? किशन? लगता है जान पहचान वाले हैं। मैडम बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं किशन ही बोल रहा हूँ। वैसे आप कहाँ से बोल रही हो? अरे मैं कहाँ रहती हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ। क्या, जयपुर से बोल रही हो? खुशी की बात है कि मैं भी जयपुर में ही रहता हूँ। बताओ कैसे फोन किया, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? अच्छा, दीवाना चाहिए तुमको? तो यार जयपुर में तो लगभग सभी दीवाने ही है, किसी को भी पकड़ लो। तुमको कैसा दीवाना चाहिए? थोड़ा सा पगला, थोड़ा सयाना। यार और लड़कियां तो रोमांटिक लड़कों को ढूंढती है, और तुम्हें पगला और सयाना दीवाना चाहिए। चलो बताओ और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? मतलब तुम भी फुल मूड में हो आज तो। अच्छा ये बताओ, जब वो तुमसे पहली बार मिले तब उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मिलने वो जो आए, बोले हाय मेरी जाना। हाय हाय, क्या बात है यार, तुम्हारे काम का तो जयपुर में बस एक ही लड़का है, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो लड़का मैं ही हूँ। बोल, दीवानी बनेगी मेरी? यार मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, तेरी एक फोटो सेंड कर सकती है व्हाट्सएप पे? ना बाबा ना। यार देख, हम दोनों आपस में एक दूसरे के लवर हैं, तो एक फोटो तो दिखा सकती है, प्लीज। यार बस एक फोटो सेंड कर दे प्लीज। हाय हाय, यार तुम कितनी खूबसूरत हो, और तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी आंखों को देखकर बस एक ही गाना याद आता है। बताओ ना यार, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों दिखती है? कैसे बताओ जाने मन, तेरी इन आंखों से मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। जालिम नजर हटा ले। ओके बाबा, हटा ले नजर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ ये कौन कौन है अभी? तेरे अपने शहर वाले। अच्छा, यही जयपुर के ही है क्या? फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वो कहे कि मुझे एक आदमी अमिताभ बच्चन की तरह लगा, इसलिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बर्बाद हो रहे हैं जी। सही बात है, वैसे भी आजकल के लोंडे लड़कियों के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं। चल छोड़, ये बता तेरे परिवार में कौन कौन है? हम अकेले। ओ सॉरी यार, सच बताओ ना तो अभी तुमसे मिलने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है कि तुम कहो तो अभी आ जाऊं। आ जाऊं क्या? तू आ जा। यार आ तो जाऊंगा, लेकिन अभी तू आराम से अंगड़ाई लेके सो रही होगी। मैं आऊंगा तो तुझे उठना पड़ेगा, परेशान होगी, कुल मिला के तेरी अंगड़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है तो फिर मैं आ रहा हूँ। ओ सॉरी यार, मुझे तो अभी पता चला कि मेरी साइकिल पंचर हो रखी है। ऐसा करता हूँ, आज पंचर निकलवा के कल आता हूँ, ठीक है? कल क्या हो, किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। ठीक है बाबा, मैं आज ही आ जाऊंगा, चाहे पैदल ही आऊँ लेकिन आ जाऊंगा, ठीक है? यार मैं बहुत देर से तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछ नहीं पा रहा हूँ, पर अब पूछ ही लेता हूँ। यार मेरे पास घर नहीं है रहने को, तो ये बता मुझे कहाँ रखेगी तू? तेरे पास भी तो घर नहीं है। अरे तेरे नैनों में ही छुपा लेगी तो फिर कहना है क्या है? हाँ एक बात बताना तुम्हें भूल ही गया, कल मैं लंदन जा रहा हूँ अपनी साइकिल का पंचर निकलवाने, तो तू कुछ मंगवाएगी क्या लंदन से? मंगवाना हो तो बोल दे, क्या लेके आऊँ? निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा। निम्बुड़े? ठीक है ले आऊंगा, लेकिन ये तो बता कैसे कैसे लाने हैं निम्बुड़े? हाय हाय, मैं मर जाऊंगा ये कच्चा निम्बुड़ा खा के। अब यार जानू तेरे ठुमके देखने का मन कर रहा है, बस एक दो ठुमके लगा दे। हाय हाय। हेलो, आई एम डॉक्टर बिल्लू स्पीकिंग फ्रॉम लंदन, आप कौन? हाँ बोलो दिलबर जी, क्या परेशानी है? सॉरी मैडम, मैं जवानी का इलाज नहीं करता, रखता हूँ बाय।
हाँ हेलो, देख ले बस एक बार। ठीक है, अगर तू इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही है तो बता क्या बीमारी है। क्या हुआ, क्या बता? अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? अभी तो बोल रही थी कि बस एक बार देख लो, अब पूछ रहा हूँ तो कुछ बता ही नहीं रही। बता क्या बीमारी है। एक मिनट में रजिस्टर में नोट कर लेता हूँ। बदन टूटता है और दर्द है, चुभन है। अच्छा दर्द भी है, ठीक है, दर्द है, चुभन है और चैन खो गया है। चैन भी खो गया है और होश ना खबर है। हेलो जी, अब तो होश भी नहीं रहा और कुछ बस। क्या यार, बस इतनी सी बीमारियाँ? दो चार बीमारियाँ और होनी चाहिए थी, है ना? अरे तू बीमार नहीं, बीमारियों का गोदाम है गोदाम। बता कब से हो रहा है ये सब कुछ? तुमसे मिलने के बाद दिल बदल। मेरे से मिलने के बाद? अच्छा अब समझ में आ गई क्या बात है। तेरी इन सभी बीमारियों का बस एक ही इलाज है, लेकिन तुझे बताऊंगा तो तू गुस्सा हो जाएगी। अभी कुछ नहीं बोलेगी ना? तो देख, तेरी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। शादी करते ही तो बस एक दो दिन में ये सारी बीमारियां मिट जाएगी तेरी। बता कैसा लड़का चाहिए तेरे को? अरे दिल में रखे हैं काहे लड़का हो ऐसा। हाँ हाँ आगे बोलो, कैसा होना चाहिए लड़का? सारे शहर में ना हो कोई वैसा। अच्छा ऐसा होना चाहिए कि पूरे शहर में और कोई भी नहीं हो वैसा। और बता और क्या क्वालिटी होनी चाहिए लड़के में? लाखों में एक दीवाना। अच्छा और पढ़ा लिखा कहाँ तक होना चाहिए? LLB पास पास। क्या LLB पास? यार ऐसा लड़का तो मुश्किल ही मिले तुझे। इसके लिए तो रब से दुआ मांगनी पड़ेगी तेरे को। मेरे रब्बा करिश्मा दिखा दे, इस दिल वाले से कुंडली मिला दे। अरे रब के ऊपर भरोसा रख, जरूर मिलेगा तेरे को ऐसा लड़का। तेरे पास फोटो वोटो तो पड़ा होगा ना कि लड़का कैसा होना चाहिए? मुझको ऐसा चाहिए। अरे ये तो मेरी ही फोटो है, मतलब तू मेरे से ही शादी करना चाहती है? अरे यार पहले ही बता देती तो इतना झमेला ही नहीं होता। लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर दूँ तो? तुझे मेरी कसम। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, पागल है क्या? मैं क्यों मना करूँगा? मेरे तो घर बैठे गंगा जी आई है। शादी तो मैं कर लूंगा तुमसे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तेरे को। किस लिए इंतजार? यार वो क्या है कि लाल चुनरियाँ लानी है अभी तेरे लिए अमेरिका जाके। लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरियाँ लाई। क्या लालगंज से ले आई तू लाल चुनरियाँ? लेकिन यार वहाँ की चुनरियों में लाल रंग बहुत कम आता है, इसलिए अमेरिका जाके वहाँ से ही लानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, फिर तो ऐसे ही कर लेंगे। मैं बोल रहा था कि फिर तेरी चुनरी के हाथ तो लगाने देगी ना मेरे को? मना तो नहीं करेगी? हाय हाय, मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। क्या बात है सोनी? हेलो कौन हो? ये पुराना स्टाइल है, नया स्टाइल में बताओ। हाँ और सुनाओ कैसे हो? कुछ तो हो गया है। अरे क्या हो गया? चैन खो गया है। अच्छा चैन खो गया, और क्या हुआ? अब तो होश ना खबर है। होश कब से नहीं है? तुमसे मिलने के बाद दिल भर। अरे तो मैंने क्या कर दिया? तेरी नजर का कसूर है। ठीक है अगर हमारा कसूर है तो मैंने होश में आने की गोली दे दी है, खा लेना। हुआ क्या असर गोली का? एक ऐसा असर है। हमारी गोली का असर ऐसा ही होता है, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? दर्द है, चुभन है। लगता है गोली रिएक्शन कर गई। और क्या हुआ? दर्द है, चुभन है, बदन टूटता है, लेकिन ये सब हुआ क्यों? अरे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? रात दिन जगी हो। अच्छा रात दिन जगी हो इसलिए।
हाँ अब आ गई ना बीमारी पकड़ में। ठीक है आता हूँ मैं दवाइयाँ लेके। अरे यार ये या आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। आ गया भाइयों फोन वापस आ गया। हेलो हाँ मैं यूँ कह रहा था कि कल मैंने जो तुम्हें फ्रेंडशिप करने के लिए प्रपोज किया था उसका अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया, तो कुछ तो बोलो। होगी ना तेरी मेरी दोस्ती। यार ऐसे कैसे नहीं होगी, तू तो पहले ये बता मेरे में कमी क्या है। सकल सूरत भी ठीक ठाक है, चार पैसे भी कमाता हूँ और अगर सच बताओ ना तो मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। अब तो मान जाओ यार, तुम क्यों नहीं कर सकती मेरे से दोस्ती। हम तो ऐसे दीवानों की दीवानगी से डरते हैं। अरे यार इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं सच में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब तो मोहब्बत कर लो यार मेरे से। हमको मोहब्बत से क्या काम है। मोहब्बत से क्या काम है, अरे मोहब्बत में तो वो मजा है जो किसी में नहीं। अपनी दोस्ती होने के बाद पूरी रात भर फोन पे बातें करेंगे दोनों, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी। बोलो क्या बोलती हो। भाइयों लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चल ठीक है मैं तेरे को बातों में उलझा रहा हूँ ना, तो मैं अभी के अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ तेरे घर, तेरे पास आके ही बात करूँगा। अगर पास आया तो जल जाएगा। क्या कहा क्या कहा, अगर मैं तेरे पास आऊँगा तो जल जाऊँगा। तू क्या आग फेंकने वाली मशीन है क्या यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या करके छोड़ेगी मेरे साथ। अरे पागल क्या, सच बताऊं तो अगर आज तूने दोस्ती के लिए हाँ नहीं बोली ना तो मैं हवाई जहाज से कूद के जान दे दूंगा और सुसाइड नोट लिख जाऊंगा तेरे नाम का। अब देख ले तू जेल जाना है या मेरे से दोस्ती करनी है। रुस्वा क्या, पूरे जमाने से भिड़ जाऊंगा तेरे लिए। मैंने भी सोच लिया है कि अगर प्यार करूंगा तो बस तेरे से ही, नहीं तो मर जाऊंगा तेरे लिए। अरे चाह नहीं जताता, मैं तो रियल में ही तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मेरे से इतना ही प्यार करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये प्यार क्या है। प्यार क्या चीज है, अरे प्यार तो वो चीज है जिसमें जिस्म दो और जान एक होती है। दिल दो होते हैं लेकिन धड़कन एक होती है, चोट एक को लगे तो महसूस दूसरे को होती है, ऐसा होता है प्यार तो। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो प्यार करने से। अरे किसने बोल दिया, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और सुन बाद में हम दोनों जहाँ भी रहेंगे दोनों साथ में ही रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे है ना। किसी ने हमको जुदा किया तो। माँ कसम अगर किसी ने हमें जुदा करने के लिए हाथ उठाया तो हाथ उखाड़ दूंगा उसका, आँख उठाए तो आँख नोच लूंगा, जुबान चलाए तो जुबान काट दूंगा उसकी। और कुछ कौन मैं, अरे मैं तो सर्कस का बंदर हूँ, जहाँ चाहूंगा वहाँ काम कर लूंगा, उसके टेंशन मत कर तू। मैं ये पूछ रहा था कि अभी कौन कौन है तेरे घर पे। अकेली हूँ मैं। क्या बात करती है, सच में अकेली हो घर पे, आ जाऊँ क्या फिर तो मिलने। हाय हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। क्या बात है सोनिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।